अभी मैं समस्तीपुर पहुँचा हूँ, मेन अड्डा समस्तीपुर का। वेदर देखो यार कितना सेक्सी लग रहा है ना। मैं 299 मिनट चला चुका हूँ भाई, मतलब अप्रॉक्स 5 घंटे। थोड़ा थोड़ा रुका हूँ, ज़्यादा तो रुका नहीं। मेरा गाड़ी भी अब हीट हो गया, पंखा चल रहा है। अब यहाँ से मैक्स टू मैक्स मेरे को 30 मिनट और लगेगा घर पहुँचने में, 30 मिनट्स मैक्स। तो गाइस फाइनली मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ बिहार, और नॉट ट्रिप, एक्चुअली मेरी दादी माँ का डेथ हो गया था, तो मैं इमरजेंसी में गया था। फिर मैं अभी बाय रोड जा रहा हूँ, बाइक में जा रहा हूँ, बिकॉज़ अगर मैं बस से भी जाऊँगा तो भी मुझे उतना ही पैसा पड़ेगा, और बाइक से जाऊँगा तब भी उतना ही पड़ेगा। तो मैं सोचा बाइक से जाना चाहिए। एंड सेकेंडली ये कि मेरा बाइक का कुछ पेपर वर्क है वो भी कराना है वहाँ पे, तो मेरे को बाइक वहाँ पे चाहिए, तो मुझे बाइक वहाँ पे जैसे भी लेके जाना ही था। तो मैंने सोचा बार बार क्यों पैसा लगाना, इसी बार लगा लेते हैं और बाइक से निकल जाते हैं। तो मैंने अपने बाइक को ऐसे रेडी कर दिया, सारे सामान लगा लिया, और अब फटाफट अब मेरे को निकलना है यहाँ से। तो देखो ये सारे प्लान कैसे हुए, ये सारा प्लान हुआ मेरी ग्रैंड माँ का डेथ हो गया एक्सीडेंट। तो मैं तब रैंडमली हम लोग कार में चल गए थे, फिर मैं आया और फिर मुझे जाना था वापस अभी चद्दर वगैरह के लिए। तो फिर मैं सोचा कि मुझे बाइक का काम भी था, तो फिर हुआ फिर मैंने सोचा कि इस बार बाइक हम निकल जाते हैं बाइक से, और मैं निकल गया ऐसे। और ऐसे मतलब ऐसे बारिश में नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसे बारिश में जाने का, लेकिन ये बारिश देखो अचानक से आ गया, तो नेचर का कोई कुछ कर नहीं सकता। तो या बारिश आ गया और अब दिखते दिखते मुझे जाना पड़ेगा, पता नहीं कितने किलोमीटर, क्योंकि 400 किलोमीटर तक का मेरा ये पूरा ट्रिप है। सी क्या होता है अभी आगे रास्ते में, बारिश आती है या धूप आता है या बाइक बंद होता है या कितने सारे प्रॉब्लम आते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। तो अभी अपन पता नहीं कहाँ पे है, बट यहाँ से मेरा घर अभी और 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर और अभी मेरे को चलाना है। अभी थोड़ा सा मैंने रेस्ट ले लिया बिकॉज मेरे को पानी पीना था, जैसे मैंने पहले बताया था। और बाइक तो ऐसे मैंने एक ही बैग है, तो उतना टेंशन नहीं है, बट गंदा बहुत हो गया गाड़ी, वो तो ऑब्वियसली बात है होना ही था गंदा, तो बिकॉज कहाँ कहाँ से आया है मिट्टी बारिश। अभी 200 किलोमीटर और बचे हैं, सो फटाफट चलते हैं अब 200 किलोमीटर। वाला नहीं है तो गाइस ये पानी का बोतल ले लिया अभी, ये लो छोटू। ये ग्लव्स गिर गया मेरा, इसको बैग में रखना पड़ेगा फटाक से। तो इसको अपन बैग में रख लेते हैं, उसके बाद कहीं और देखेंगे, वहाँ पे रुक के पानी पी लेते हैं। ये बैग भी ख़राब है, ये मेरा नहीं है, अर्जेंटली मेरे को लेना पड़ा था। लोल मैंने ये बैग का ये फंसा दिया, ठीक हो गया। फटाफट फ्लाईओवर पकड़ना है और फटाफट निकलना है 191 किलोमीटर मोर। सारे सामान है, पानी का बॉटल, एक बैग पीछे बांध दिया मैंने रबर से, मेरे हेलमेट, ग्लव्स, गोप्रो लगा है,
एंड ये सारे गार्ड्स भी लगा रखे हैं मैंने सेफ्टी, बट ये टेढ़ा हो गया। तो ऑल सेट 471 मिनट हो गया मेरे गाड़ी चलाए हुए। चलो अब और देखते हैं कितने दूर जाके अब रेस्ट लेना है। लेट्स सी। गाइस मेरा पेट्रोल अभी ख़त्म होने वाला है तो मैं सोच रहा हूँ फिर से ले ही लूँ फिर। बाप रे 105.53 ओह माय गॉड। इनका क्या फाइट हो रहा है क्या? यहाँ पे शायद फाइट हो रहा है और मेरे को लेट हो रहा है। 771 का मेरा हो गया टंकी फुल। अभी फटाफट इसको रखेंगे और निकलना है। ओ भाई शाम होते होते तो पहुंच जाऊंगा ऐसा उम्मीद है, बाकी तो पता नहीं बट लक तो ऐसे ही रहा। शाम होते होते तक ही पहुँचेगा मैं, या रात भी हो जाएगा, रात तो नहीं होना चाहिए। कितने कर लिया सर? मेरे को जाना है उस साइड, यूटर्न यहाँ से है नहीं तो क्या किया जाए अब। बाइक लेना, मैं यहीं से आया था तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि मैं यहीं से चढ़ पाऊँ। आई डोंट नो मेरा बाइक चढ़ पाएगा या नहीं, बट आई विल ट्राई यहाँ से चढ़ाने का। चढ़ गया और ये पता नहीं कौन सी जगह है ये, बट अपन दरभंगा के आसपास आ गए हैं तो अब 1-2 घंटा और लगेगा घर पहुंचने में। अभी बज गया 3:30 तो 4:30-5:30 बजे तक अप्रोक्स मैं पहुंच जाऊंगा। वेदर देखो, वेदर लकीली ना आज धूप भी नहीं है, बारिश हुई है बट इधर एकदम क्लीन है। हाँ थक गया यार थोड़ा, पहला एक्सपीरियंस है। अभी बाकी तो मैं घर जाके बताऊंगा, वैसे किसी को पता नहीं है कि मैं बाइक से आ रहा हूं, तो वो उनके लिए भी सरप्राइज़ होगा यार। और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा घर पहुंच के कि क्या सब था, एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा। बाकी तो रास्ते में कितना क्या ही बताऊंगा आपको, है ना, एनर्जी भी बचानी है थोड़ी। तो चलो अब चलते हैं। जी मैं समस्तीपुर पहुँचा हूँ, मेन अड्डा समस्तीपुर का। वेदर देखो यार कितना सच्ची लग रहा है ना। 299 मिनट चला चुका भाई, मतलब अप्रॉक्स 5 घंटे। थोड़ा थोड़ा रुका हूँ, ज़्यादा तो रुका नहीं। मेरा गाड़ी भी अब हीट हो गया, पंखा चल रहा है। अब यहाँ से मैक्स टू मैक्स मेरे को 30 मिनट और लगेगा घर पहुँचने में, 30 मिनट्स मैक्स अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो। सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, बारिश धूप सब कुछ, और कुछ नहीं बचा एक्सपीरियंस करने को। आप यहाँ से मेरे को बस पूछना है किसी को, उसके बाद मैं निकलूँगा फटाफट से।
मैं मतलब दूसरी गाड़ी क्रॉस कर चुका हूँ, जहाँ से मेरा गांव तकरीबन नहीं 40-45 किलोमीटर होगा, तो 40 किलोमीटर अंदर में चलो, और रात भी हो ही गई है और बारिश हो रहा है, सब गीला हो गया है लैब से लेकर हर एक चीज़। मैंने बहुत बड़ा गलती किया कि मैंने वो रेनकोट नहीं लिया, एक्चुअली मैं सीरीज बोल रहा था मैं कुछ भूलूंगा और मैं रेनकोट भूल गया। वाह, मैंने लिखा है मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना मैं कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ, आज मैंने सब कुछ याद से रखा था तो मैं रेनकोट रखना भूल गया। वाह, सब कुछ ठीक था बट बैड लक, यहीं पर आके रेलवे फाटक था और रेलवे फाटक बंद हो गया क्योंकि ट्रेन आने वाली है, तो अब मेरे को करना पड़ेगा इंतज़ार। हाथ वाथ तो पूरा व्यायाम हो गया। यहाँ से मेरा घर है 6 किलोमीटर ऑनली, तो मतलब मैं 10 मिनट के अंदर घर में हूँ। सरप्राइज नहीं, किसी को भी नहीं पता मैं बाइक से आ रहा हूँ, ठीक है, ये एक सरप्राइज है। और मेरे को डांट भी पड़ सकता है पापा से मम्मी से भी, लेकिन क्या है ना कुछ बाइक का पेपर वर्क है इसलिए मेरे को बाइक लेके आना पड़ा, ठीक है। एक्चुअली मेरा पोल्यूशन अपडेट नहीं हो रहा, तो मेरे को वहाँ बंगाल के आरटीओ में बताया गया कि आपको बिहार लेके जाना पड़ेगा, वहाँ के आरटीओ में आपको अपडेट कराना पड़ेगा, तो मेरे को एनओसी वगैरह भी लेना है। सो तो मैंने फिर आदि भैया से बात किया, तो उन्होंने बोला बाइक लेके आ जाओ सब कुछ करा लेंगे सारा पेपर वगैरह ना। तो मैंने कहा ठीक है यार, वैसे भी जाना ही है तो ठीक है, मैंने कहा बाइक से चलते हैं क्या ही दिक्कत है। वैसे भी मैंने जैसा आपको कहा था स्टार्टिंग में 700 रुपये मेरे को बस का भरता और बाइक में मेरे को कितना लगा, मैंने दो बार टैंक फुल कराया 750-750 से 1400, और मेरा अभी देखो कितने मीटर है, कितने पेट्रोल है, बहुत है अभी पेट्रोल में बाइक में, तो वही 1000 रुपये गया था मैंने बाइक में खर्च किया और मैं पहुँच गया। अब मैंने चलाया कितना देर, 356 मिनट्स, मतलब वही अपना 6 घंटे के आसपास। गए भीग भीग के, दूर है। तो गाइस ये मेरा घर, अभी तो रात हो गया, अभी दिखेगा नहीं आप लोग को। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कल रात को यार देखो आया मैं और लाइट नहीं थी तो मैं डायरेक्टली आया, फिर काम वाम किया, फिर मैं सो गया, फिर मैं अभी उठा हूँ, तो जाता हूँ फ्रेश व्रेश होता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोग को आगे का सीन क्या है।
Thank you.